हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। मैं आपसे बुक दोस्त शौर्य सिंघल, और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल एविडेंस इन सर्विस इंडस्ट्री। टॉपिक थोड़ा अटपटा है, फिजिकल एविडेंस इन सर्विस इंडस्ट्री क्यों अटपटा है? आप सभी को पता है कि भाई सर्विस इंडस्ट्री में क्या होता है, सर्विस आपकी क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। अब इसमें फिजिकल एविडेंस हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। तब चिंता मत करें, इसका सोल्यूशन मैं अभी देता हूँ। सबसे पहले टॉपिक कहना क्या चाहते हैं हम, सबसे पहले वो समझेंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल एविडेंस इंक्लूड द स्पेस वेयर द सर्विस टेक प्लेस। भाई आप सर्विस लेने जा रहे हो, वहां पे फिजिकल एविडेंस क्या है, वहां पे आप किस तरीके से ग्रीट किए जा रहे हो, ठीक है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एंड द टेंजिबल आइटम दैट कस्टमर टेक एज अ प्रूफ ऑफ परचेज। आपने कहीं सर्विस लेने गए, वहां पे उन्होंने आपको कोई रिसिप्ट नहीं दी, कोई आपको प्रूफ नहीं दिया। प्रूफ इज लाइक द टेंजिबल, ठीक है, तो वो आपका फिजिकल एविडेंस है कि हाँ आपने सर्विस ली है। यदि सर्विस इज इनटेंजिबल, गिविंग कस्टमर एज ए रिसिप्ट और ब्रोशर अलाउ देम टू एसोसिएट विद देयर सर्विस। अभी जो आपको ब्रोशर मिलता है या फिर जो भी आपकी रिसिप्ट मिलती है, उससे क्या होता है, आपको आपके माइंड में क्या रहता है कि यार हाँ मेरे पास प्रूफ है कि मैंने सर्विस ली है एक पर्टिकुलर कंपनी से, ठीक है। जो भी आपका रिसिप्ट या फिर प्रूफ या फिर आपके जो उनके एम्प्लॉयज आपको ग्रीट कैसे करते हैं, वो आपका फिजिकल सिंबल होता है जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी सर्विस सेंटर में जाके। नेक्स्ट पढ़ेंगे रोल ऑफ सर्विस एविडेंस, सर्विस एविडेंस या फिर फिजिकल एविडेंस। सर्विस एविडेंस या फिर फिजिकल एविडेंस का रोल क्या होता है? तो बेसिकली जो इसका रोल है वो आपके दो भागों में बटे हुए हैं। पहला है आपका पेरिफेरल एविडेंस, सेकेंड है आपका इसेंशियल एविडेंस। अभी पेरिफेरल क्या होता है, इसेंशियल क्या होता है, हम अभी आगे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम पेरिफेरल एविडेंस होता क्या है। पेरिफेरल एविडेंस इज अ पार्ट ऑफ सर्विस विच डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट वैल्यू। इसको समझने की कोशिश करो कि ये एक तरीके का एविडेंस है जो सर्विस में इंक्लूड होता है, लेकिन अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली जाओगे लेने तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैसे? आप बस एक आप एग्जाम्पल लें, आप किसी होटल में गए हैं अपना एक रूम बुक करने, वहां पे आपको एडिशनल चीज क्या मिलती है, टाउन ग्राउंड, टाउन गाइड, जो भी वहां पे आपका मैप लगा होता है, क्या उसकी कोई वैल्यू है? आप उसको इंडिविजुअली परचेज करने जाते हो? नहीं जाते। नोट पैड, भैया इसकी तो वैल्यू है, 500 रुपए के भी नोट पैड आते हैं। मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ। अगर आप एज अ सर्विस लेने जाते हो, क्या उसकी कोई वैल्यू है? आपने होटल में 10,000 रुपए खर्च करे, उसके सामने नोट पैड की क्या क्या वैल्यू है? भैया कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मनी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो आप परसीव करते हो सर्विस लेने के बाद। अगर आपने किसी होटल में 10,000 पे करे हैं और आपको कोई पेन, नोट पैड, वेलकम गिफ्ट नहीं मिला, तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपको किस चीज से फर्क पड़ेगा कि भाई रूम का अपियरेंस कैसा है, वो सर्विस कैसी दे रहे हैं, ठीक है। अभी वो सर्विस कैसी दे रहे हैं, उन सब चीज में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। वहां पे क्या पार्किंग स्लॉट है, ठीक है, वहां पे स्विमिंग पूल है, वहां पे जो भी वहां पे डिस्को के लिए कोई स्पेशल नाइट है, वो सब चीजें पार्ट होती हैं पेरिफेरल एविडेंस का। पेरिफेरल एविडेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ सर्विस, इसकी अलग से कोई वैल्यू नहीं होती। एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल अगर दू, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। कोई सा भी आप टिकट ले लो, मूवी टिकट या फिर फ्लाइट टिकट या फिर आप किसी भी तरीके का टिकट ले लो, क्या आप इंडिविजुअली टिकट परचेस करने जाते हो? नहीं जाते। उसकी क्या वैल्यू है आपके लाइफ में? नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक तरीके का एविडेंस है कि आपने सर्विस ली है। नेक्स्ट आता है आपका इसेंशियल एविडेंस। अभी इसेंशियल एविडेंस जैसे कि यहाँ पे इसेंशियल आ गया है, इसेंशियल इंपॉर्टेंट, कि इसेंशियल मतलब इसके बिना वो सर्विस दी ही नहीं जा सकती। सर्विस के द्वारा जो जो भी आपका सर्विस डिलीवर पार्टनर है उसके द्वारा सर्विस नहीं दी जा सकती इसेंशियल एविडेंस के द्वारा, ठीक है। अभी इसेंशियल एविडेंस के एग्जाम्पल क्या है, पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। इसेंशियल फिजिकल एविडेंस इज प्रोवाइडेड बाय दोस टेंजिबल विदाउट विच द सर्विस कैन नॉट बी डिलीवर्ड, कोई भी सर्विस डिलीवर्ड नहीं की जा सकती। अभी क्या एम्प्लॉय के द्वारा सर्विस डिलीवर की जा सकती है? नहीं की जा सकती। अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप सर्विस दे सकते हो? नहीं दे सकते। आपके पास सर्विस देने के लिए इक्विपमेंट नहीं है, क्या आप सर्विस दे सकते हो? नहीं दे सकते। सेकंड, आपके एम्प्लॉय नहीं है, नहीं दे सकते। आपका इंटीरियर अच्छा नहीं है, वहां पे आपको कुछ एडिशनली आपने देखा होगा कि किसी भी
मोबाइल शॉप के सभी सेंटर में जाते हो, एमआई के, पोको के, या फिर आप किसी भी ले लो, वहां पर टेलीविजन लगा रहता है, तो वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है आपका पेरिफेरल एविडेंस का, वो बस सर्विस का पार्ट है। अगर वहां पर टेलीविजन ना हो तो आपको घंटा फर्क पड़ेगा, आपको वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई वहां पे टेलीविजन है नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वहां पे सॉरी एम्प्लॉयज ही नहीं है तो सर्विस कौन देगा? कोई नहीं देगा। एम्प्लॉयज हैं लेकिन इक्विपमेंट नहीं है, सर्विस कौन देगा? कोई। एम्प्लॉयज भी सर्विस नहीं दे सकते। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे इक्विपमेंट और एम्प्लॉयज हैं, सर्विस क्या वो दे पाएंगे? इक्विपमेंट रखने के लिए आपको क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इट मीन्स कि ये वो उस तरीके का एविडेंस है जिसके बिना सर्विस नहीं दी जा सकती। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा पेरिफेरल एविडेंस का या फिर इसेंशियल एविडेंस का। इन दोनों का डिफरेंस एंड मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे जा रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैनेजिंग द एविडेंस। हमने एविडेंस पढ़ लिए, एविडेंस कितने तरीके के होते हैं, कितने भागों में बटे होते हैं, अभी उनको मैनेज भी करना है। अभी आप सभी को पता है कि मैनेजिंग इज द मेन थिंग फॉर एवरी कंपनी। अगर कोई भी कंपनी रिसोर्स मैनेज नहीं कर पाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, सिंपल सी चीज। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी सर्विस प्रोवाइडर ट्राई टू यूज मोर टेंजिबल रिसोर्स। क्यों, ऐसा क्यों करता है? जिससे कि जो भी कस्टमर जा रहा है उनके पास, उसको अच्छा फील हो, वो वैल्यू ज्यादा परसीव करे, वो सेटिस्फाई ज्यादा हो और वो आगे भी रिकमेंड करे। जैसा मैंने पास्ट पहले की वीडियो में बताया है कि जो भी वहां पे कस्टमर्स होते हैं, जो सर्विस लेने जाते हैं, वो एज अ मार्केटर रोल निभाते हैं। अगर आपने सर्विस अच्छी दी तो भाई वो मार्केटिंग करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे। रिकमेंडेशन इज जस्ट लाइक द मार्केटिंग। ठीक है, वो रिकमेंड करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड्स में कि भाई आप यहाँ पे जाओ। तो अगर आप ज्यादा टेंजिबल रिसोर्स यूज नहीं करोगे, बस एक नॉर्मल क्वालिटी के टेंजिबल रिसोर्स यूज करोगे, तो कस्टमर ज्यादा वैल्यू परसीव नहीं कर पाएगा और वो उस लेवल पे, वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देर आर टू वेज बाय विच सर्विस कैन बी ग्रैप्स मेंटली। यहाँ पे दो तरीके हैं, यहाँ पे मेंटली लिखा है, यहाँ पे मैं पागल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं माइंड की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि दो तरीके हैं जहां से जो कस्टमर हैं वो सर्विस को ज्यादा ग्रैप्स कर सकते हैं, उनके माइंड में ज्यादा देर तक रह सकता है। कैसे? एसोसिएट द सर्विस विद टेंजिबल रिसोर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको। यहाँ पे टेंजिबल रिसोर्स आपके ये होते हैं। इनके अलावा आप काफी यहाँ पे चीजें ऐड कर सकते हैं। इसेंशियल एविडेंस कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं, लेकिन हाँ ये चीज आपकी मेन है कि जो हर एक इंडस्ट्री में चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए और एम्प्लॉयज भी चाहिए। आप इनके अलावा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप कहीं पे आपने फ्लाइट बुक करी, वहां पे आपको टिकट मिल गया, टिकट आपका पेरिफेरल है। ठीक है, वहां पे आपने जब फ्लाइट में गए, फ्लाइट किस तरीके की थी, वो आपका इसेंशियल है। उसके बाद आपको जो एडिशनल सर्विस मिली, वहां पे आपको फ्री फूड मिला। फ्री फूड अब क्या है आप मुझे ये बताओ। अगर आपको फ्री फूड नहीं मिलता तो वो आपकी क्या आप वैल्यू कम परसीव करते? हाँ भैया करते, थोड़ी सी कम करते। अगर आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पे फूड मिलेगा तो आप क्या वैल्यू परसीव कम करते? नहीं करते। लेकिन आपके माइंड में था कि यार वहां पे फूड मिलता है, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि भाई तुम ये वाली कंपनी के फ्लाइट बुक करो, इंडिगो या फिर विस्तारा, वहां पे फ्री फूड मिलता है। तो जो फ्री फूड है, फ्री फूड आपका टेंजिबल रिसोर्स है और जिससे कि आप इजिली परसीव कर पाते हो। ठीक है, जो भी कस्टमर है वो इजिली परसीव कर पाता है कि यार हाँ इनकी सर्विस अच्छी है, इस फ्लाइट की सर्विस गंदी है। दूसरा है आपका फोकस ऑन बायर सेलर रिलेशनशिप। ये हर एक सर्विस इंडस्ट्री, ये हर एक सर्विस कंपनी फॉलो करती है। वो आजकल क्या कर रही है कि भाई जो बायर एंड सेलर है, इन दोनों का जो भी रिलेशन है, सेलर यहाँ पे एक बात मान लो कि सेलर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का सेलर नहीं है, सेलर यहाँ पे सर्विस का सेलर है। ठीक है, तो अभी कंपनीज क्या कर रही है कि भाई वो बायर्स और सेलर को डिफरेंट शो कर रही है। आपको पता है कि भाई जो भी आपकी सर्विस है, सर्विस कैन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है वो कंपनी से डिफर कर सकता है, प्रोडक्ट अलग है, कंपनी अलग है। ठीक है, अलग अलग ब्रांड के नहीं, लेकिन हम प्रोडक्ट को अलग तरीके से परसीव करते हैं, कंपनी की गुडविल अलग तरीके से होती है। उसी तरीके से आप एक एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे आपका कोई भी आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड ले लो। वहां पे एक डेबिट कार्ड में काफी सारी कंपनीज के वो जुड़े होते हैं, वहां पे आपको काफी सारे ऑफर्स मिलते हैं। आपको एक डेबिट कार्ड से 10% ऑफर मिला अमेजन से या फिर फ्लिपकार्ट से, आपके माइंड में दो चीजें आएंगी। एक तो स्पेसिफिक बैंक का डेबिट कार्ड अच्छा है, दूसरा जहां से आपने शॉपिंग करी और उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया,
वो कंपनी अच्छी है। इट मींस बायर और सेलर डिफर है, डिफरेंट है, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट से, ऐसा नहीं है कि बस आप एक कंपनी की मार्केटिंग करते हो, आप एक प्रोडक्ट से काफी सारी कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हो एज अ कस्टमर। एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपको भी कोटक का डेबिट कार्ड है, 10% ऑफ चल रहा है फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे। आपने अगर अपने फ्रेंड को रिकमेंड करोगे, क्या बोलोगे, भाई कोटक के क्रेडिट कार्ड में 10% डिस्काउंट चल रहा है फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे। अभी आपका फ्रेंड क्या करेगा, वो बैंक में खाता खुलवाएगा और कार्ड लेगा। दो कंपनी के फायदे हुए, फ्लिपकार्ट और कोटक। तो यहाँ पे आप दो कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आजकल के टाइम बायर एंड सेलर दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो एक साथ चलता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सेलर अलग है बायर अलग है। आई होप आपको इसका बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा कि सर्विस फिजिकल एविडेंस क्या होते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, इनके टाइप क्या होते हैं और टाइप के मतलब क्या होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो दो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपके डाउट हमेशा वहां पे क्लियर होते हैं और आगे भी क्लियर होते रहेंगे। एट द एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड, एंड एट द एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। Thank you.